This session is being recorded, and this is Sir Sidhu Rahman, your English language instructor. And today we have got another very important introductory lecture. मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे तकरीबन 4 से 6 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होते हैं जो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आगाज कर सकें। अभी तक हमने इसका कोर्स का आगाज नहीं किया है, अभी हम आपकी बेस बना रहे हैं, आपको इस काबिल बना रहे हैं कि आप जहनी तौर पर तैयार हो जाएं। थोड़ा सा डिस्कशन क्लासेस के अंदर, स्पोकन क्लासेस के अंदर आप यूज टू हो जाएं, अपना रूटीन सेट कर लें, अपना शेड्यूल सेट कर लें। ऐसा ना हो कि जब बाकायदा तौर पर कोर्स का आगाज किया जाए तो फिर आप उस वक्त परेशान हो। तो यू हैव a few days, 3-4 days to set your schedule so that you may not face any problem in 3 months. क्योंकि हमारा जो साथ है वो 3 महीनों का है, वैसे तो जिंदगी भर का है। आप जब चाहें मुझसे राबता कर सकते हैं। You can ask any question. Pronoun family. हमें जिंदगी में pronoun family पढ़ाई तो गई है, लेकिन हमने उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया, और इस्तेमाल किया तो कभी समझ ही नहीं आया कि हम डिटर्मिनर को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो आज सर आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं और लास्ट लेवल तक पढ़ाएंगे। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, नाश्ता नहीं किया है तो बना लीजिए, नाश्ता करते रहिए और मेरी बातों को बहुत गौर से सुनते रहिए, और बीच में जहां जहां मैं आपसे कहूं कि कंट्रीब्यूट कीजिए वहां पर कंट्रीब्यूट किया करें, बिकॉज माय सेशंस आर ऑलवेज इंटरैक्टिव। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। एवरीबॉडी नोज दैट सब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जो आपके सेंटेंस के शुरू में आता है एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन, और आमतौर से वो एक्शन परफॉर्म करता है। दूसरे अल्फाजों में, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। काम को करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है। इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट आपको परेशान नहीं करता क्योंकि सब्जेक्ट आता ही आपके सेंटेंस के शुरू में, आपका सेंटेंस स्टार्ट ही सब्जेक्ट से होता है। कल मैंने आपसे एक एक्सरसाइज शेयर की थी, आपको शायद उसमें प्रॉब्लम आ रही हो कि मैं जुमला कहां से शुरू करूं, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट माई सेंटेंस। अगर आप, वो मैंने आपको एक एक्सरसाइज भेजी थी, ऑर्गेनाइज द वर्ड्स। जब आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब और पजेसिव प्रोनाउन और डिटर्मिनर की अच्छी नॉलेज होगी तो आप इन वर्ड्स को फॉरन अरेंज कर लेंगे। अगर वो आपको उसमें तकलीफ हो रही थी, आज के सेशन के बाद ट्राई कीजिएगा, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर, सब्जेक्ट कैन बी प्लोरल। सब्जेक्ट के सिंगुलर होने से और प्लोरल होने से वर्ब के ऊपर असर पड़ता है। ये बड़ी गहरी बात है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, देखिए गौर से देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, अली कॉल्स मी। अगर मैंने कहा अली कॉल्स मी, तो देखिए मैंने वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल किया। अगर मैंने ये कहा अली एंड सारा कॉल मी, अगर मैंने ये कहा अली एंड सारा कॉल मी, तो देखिए अली एंड सारा के प्लोरल होने की वजह से, अली एंड सारा के प्लोरल होने की वजह से मेरा वर्ब में एस नहीं आया। अली इज एट होम सिंगुलर होने की वजह से इज आया, अली एंड सारा प्लोरल होने की वजह से आर आया। मुझे कंफर्म कीजिएगा, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर है, चैट में लिख के बताइएगा।
Am I clearly audible? Thank you very much. अच्छा आगे चलते हैं। देखिए डॉग सिंगुलर है, डॉग्स प्लोरल है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपका वर्ब देखिए क्या होता है, आपके वर्ब के ऊपर असर पड़ता है। डॉग था तो बार्क्स हुआ, जब डॉग्स हुआ तो बार्क हो गया। यानी कि सर हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के ऊपर असर पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि आपको सिर्फ कौन सा वर्ब याद रख सब्जेक्ट याद रखना है ये भी मैं बता दूं। देखिए ऊपर चलते हैं वापस। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पर्सन। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, मुझे कौन बताएगा, हैंड रेस करके बताइए। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन। यस सादिया, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन। सर आई एंड वी ये तो आपने बता दिया फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, समिया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, डिटर्मिनर भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, सब फर्स्ट पर्सन होता है। मुंतहा, द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज टॉकिंग जस्ट लाइक मैं आई एम टॉकिंग टू यू एंड सो आई एम फर्स्ट पर्सन. वेरी गुड। बतूल, सर सेम लाइक द पर्सन हु इज टॉकिंग डायरेक्टली टू अनदर पर्सन इज द फर्स्ट पर्सन. अ पर्सन हु स्टार्ट्स कॉन्वर्सेशन, अ पर्सन हु ब्रेक्स द आइस, अ पर्सन हु बिगिंस, अ पर्सन हु टेक्स फर्स्ट एक्शन, जो सबसे पहले शुरुआत करता है, आप जो बोलता है, जो खामोशी को तोड़ता है। आज खामोशी को किसने तोड़ा, आई सर हसीन, आई टीच ऑल ऑफ यू, आई एम टीचिंग यू, आई इज अ फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग तीन चार स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, आप लोग ने एक ग्रुप बनाया और जाकर अपने डीन से कहा वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आर इंग्लिश टीचर। अब बोलने वाले एक से ज्यादा हो गए, आगे एक लड़की को कर दिया, वो सबके बिहाफ पे बात कर रही है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आर इंग्लिश टीचर। पीछे छह लड़कियां और खड़ी हुई हैं, यानी कि बोलने वाला एक से ज्यादा। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। अक्सर लोग वी को हम लोग के साथ यूज कर देते हैं, वी पीपल, वी पीपल, गलत। वी का मतलब हम भी है, वी का मतलब हम लोग भी है, और वी का मतलब हैदराबाद वालों के लिए अपन लोग भी है, अपन लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। ठीक है, आई का मतलब मैं जा रहा हूं, आई का मतलब मुझे भी है, मुझे पता है, आई नो, मुझे आता है, आई नो, मुझे वो जानती है। अब ये वाला जो मुझे है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मुझे पता है, आमतौर से ये मैं है, मैं जा रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, लेकिन कभी कभार हमारी उर्दू हमारी है, हम जिस तरह से चाहे इसको मॉडिफाई कर लें, लेकिन जब आप मुझे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉमनली एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट की नजर पे अभी हम बाद में जाते हैं, पहले हम सेकंड पर्सन पे जाते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, रेज योर हैंड एंड आंसर माई क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड पर्सन, व्हाट इज सेकंड पर्सन। मुंतहा, व्हाट इज सेकंड पर्सन। यस
The person to whom I am talking, just like I'm talking to you. So, sir, you are the second person. ये सिंगुलर होता है या प्लोरल होता है? बकुल, ये सिंगुलर होता है या प्लोरल होता है? It depends on the condition. It may be singular or plural. It depends Yes, on. sir. Sir, it can be singular or it can be plural. तुम इधर आओ भाई. अब जिससे मैं हम बात कर रहे हैं, अ पर्सन टू हूम वी आर टॉकिंग, अ पर्सन टू हूम वी आर टॉकिंग, अ पर्सन टू हूम वी टॉक, जिससे हम बात करते हैं. तुम इधर आओ. तुम, हाँ तुम इधर आओ. यू कम हेयर. आप इधर आइए. यू कम हेयर. तू इधर आ भाई. यू कम हेयर. जिससे आप बात करते हैं वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लोरल भी हो सकता है. आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं भाई? व्हाई आर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस? आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस? तुम क्यों चिल्ला रही हो? व्हाई आर यू शाउटिंग? व्हाई आर यू शाउटिंग? तू क्यों चिल्ला रही है भाई? Why are you shouting? आप हो जाए, तुम हो जाए, तू हो जाए, आप कैसे, आप लोग हो जाए, तुम लोग, तुम लोग क्यों बातें कर रहे हो? Why are you talking? आप लोग क्यों बातें कर रहे हैं? Why are you talking? Why are you talking? आप एक बात समझ, आप लोग क्यों बातें कर रहे हैं, तुम लोग क्यों बातें कर रहे हो, तू क्यों बातें कर रही है भाई? व्हाई आर यू, ये इंग्लिश की खूबसूरती है कि सिर्फ यू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. ठीक है, आइए आगे चलते हैं. वेट कीजिएगा. यस, वेलकम बैक. अच्छा अब आइए थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन उरुसा बताइए किसे कहते हैं? व्हाट इज थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट फिजिकली. टू पर्सन आर टॉकिंग अबाउट हर और हिम. दैट इज दिस. फॉर एग्जांपल इफ आई एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सबा. Sabha is not present here, but we are talking about Sabha. So Sabha is third person. Okay, very good. Excellent answer. Anyone else who wants to tell me about third person? What is th who is third person? What is third person? Yes. Samia. The person to whom the whole talk is revolved around. जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम बात करते हैं, अगर हम ये जिसके कह बारे रहे में हैं, जिसके बारे बात में, हो रही है. अबाउट होम होगा ना फिर, अबाउट होम वी टॉक. टू लगा दिया तो जिससे हम बात करते हैं, टू होम वी टॉक, जिससे हम बात करते हैं, अबाउट होम वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं. अच्छा इस मधिया बता रही है, मधिया कोई नई बात बताइए. अबाउट होम वी टॉक. अबाउट होम वी टॉक, ये तो बात मेरे समझ आ गई. अबाउट होम वी टॉक, इसके अलावा कोई नई बात आ रही है किसी के दिमाग में, जहन में? The person actually not present. The person who, about whom we are talking actually not present.
जिससे हम बात कर रहे हैं वो हकीकत में वहां पर मौजूद नहीं, ऐसा ही है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं, देखिए मैं बात कर रहा हूं मदीहा से, और मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, किस दोनों बराबर बराबर बैठी है, एक इधर बैठी हुई है एक उधर बैठी हुई है, मदिया और समिया से मैं बात कर रहा हूं। मदिया, डू यू नो समिया? मदिया, डू यू नो समिया, हु इज शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू? यस सर, आई नो हर, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई थर्ड पर्सन वो होता है जो हमारे सामने मौजूद नहीं होता, यहाँ तो बराबर में बैठा हुआ है, एक गलत कॉन्सेप्ट हमें स्कूल में दिया हुआ है कि यानी सर जिसके बारे में बात की हो ना, हाँ वो बराबर में भी बैठी भी हो सकती है ना, गायब होने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हाजिर और गायब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन स्कूल के अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करें जो वहां पर मौजूद ना हो। तो वो अगर आज मुझे मिस मिल जाए मेरी स्कूल की, तो मैं उनसे सवाल करूंगा, मिस चले मैं आपसे बात कर रहा हूँ असलम के बारे में, ये असलम पहली डेस्क पे बैठा है, बताइए मिस। अब मिस खामोश हो जाएंगी, कहेंगी बेटा हमने भी यही पढ़ा था, थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब हो। मैं कहा मिस ये तो हाजिर बैठा हुआ है आपके सामने असलम, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब असलम बताओ मिस को, मैम दिस इज असलम, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब मैं तो थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, और असलम तो उनकी आंखों के सामने है। तो ये बात जहन से निकाल दें तमाम स्टूडेंट्स कि थर्ड पर्सन गायब होता है, ये हाजिर और गायब की कहानी गलत है। हाँ, थर्ड पर्सन के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर को याद रखिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी और इट, कोई भी एक नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट या कोई भी एक नाम, अली सारा दी दे आर थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे थर्ड पर्सन प्लोरल जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं एक से ज्यादा। मैंने कहा मानू डू यू नो फातिमा एंड बतूल? यस सर आई नो देम, दे आर माई वेरी गुड स्टूडेंट्स, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, रियली सर, यस दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, दे ऑलवेज आंसर मी इन द क्लास, सो दिस इज हाउ आई कम टू नो दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी एक्टिव इन द क्लास। अब जिनके बारे में बात हो रही है वो एक से ज्यादा, जैसे आप लोग कहते हैं ना वो लोग आ रहे हैं, ससुराल वाले आ रहे होते हैं, वो लोग निकल गए हैं, वो लोग पहुंचने वाले हैं, वो लोग आ गए हैं, यानी एक से ज्यादा, दे का मतलब वो या फिर वो लोग, ही का मतलब वो लड़की, शी का मतलब, ही का मतलब वो लड़का, शी का मतलब वो लड़की, इट से क्या मुराद है कोई बताएगा, इट से क्या मुराद है? इट इट पे ज्यादा चीजों के लिए यूज किया सिनोनिम जाता है। आज मैं किसी इंसान के लिए यूज करके दिखाऊं, किसी सर हो सकता है इट इंसान के लिए, ये देख नॉर्मल इंसान होगा, मैं वो वाले इंसानों की बात नहीं कर रहा जो ना मेल होते ना फीमेल होते हैं, मैं एक आम नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। देखिए दरवाजे पे दस्तक हो रही है, आपके दरवाजा बज रहा है, समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, तो आप सवाल क्या पूछते हैं, कौन है? अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी, कौन है, कौन है भाई? अरे बोलता क्यों नहीं है, कौन है? Who is this? हु इज इट, It. हु इज, ये Who तो is it? Who is this? ये तो वो होगा कि हम लकी वन में घूम रहे हैं, बेगम ने छापा मार दिया, कौन है ये लड़की, कौन है ये, कौन जो आपके साथ है भाई, मैं तो अकेला हूं, तुम्हें कौन दिख रही है, ये कौन है भाई, चांटा मार दा मारा होता है ना फिल्मों में सीन, हु इज शी, जब आपको जेंडर पता है तो हु इज शी, कौन है ये लड़की, हु इज शी, लेकिन जब आपको जेंडर का नहीं पता क्योंकि दरवाजा बंद है,
अब दरवाजा बंद है, आपको नहीं पता वहां पर मेल है या फीमेल है, तो आपने जवाब क्या दिया? इट? हु इज इट, कौन है ये, हु इज इट, हु एक्सक्यूज मी इज, सर, जी व्हाई बेटा शुड वी नॉट यूज दिस? हम इट का इस्तेमाल सिखा रहे हैं आपको, वाई का सवाल नहीं है, हम इट सिखा रहे हैं आपको कि इट का इस्तेमाल कहाँ पर हो, ठीक है? सर इसका आंसर इट्स मी हो सकता है, बट बिल्कुल ऐसा होगा, अरे मैं हूं, सर हमें तो हमारा जेंडर पता है, तो हम इट हमें पता है ना कैसे कर दरवाजे सकते अपने साथ? दरवाजे के पीछे कौन है आपको पता है? नहीं, जब हम पूछेंगे, जब कोई पूछेगा हु इज इट, तो हम आगे से कह सकते हैं इट्स मी। अरे मैं हूं चंदा, इट्स मी चंदा। अब हम ये ऐसे थोड़ी ही बोलेंगे दिस इज मी चंदा, हम बोलेंगे इट्स मी ओके, दिस इज चंदा। मी रॉन्ग है, नॉट, देखिए दिस इज कुछ मी चंदा। चीजें रॉन्ग का सवाल नहीं होता, गोरा बोलता नहीं है, अंग्रेजी को ओके बहुत सारे तरीके से बोला जा सकता है। मैं बोल दूं हु इज दिस, हु इज देयर, सही है, इट्स ओके okay. लेकिन जो गोरा बोलता है हम उस वो चीजें आप लोगों को पढ़ा देते हैं, हु इज इट, फिर वो ओके कहता है इट्स मी, मैं हूँ भाई सैम, इट्स मी सैम। इसी तरह से फोन पे जब आप फोन उठाते हैं, मैंने सारा के घर पे फोन किया, उनकी अप्पा ने उठाया, अरे भाई बोलता क्यों नहीं है, अरे हु इज इट, अब मैंने कहा ले भाई लाश लाशें बिछा देते हैं उनके अब्बा, मैं खामोश रहा, हु इज इट, अरे देखो सारा बेटा कोई बोल ही नहीं रहा, हेलो जी कौन, अरे मैं हूँ, इट्स मी राजू। आई बात समझ, ओके जब आप फोन पे बात कर रहे होते हैं हु इज इट, हु इज इट आपको, क्योंकि जब व्हेन यू डोंट नो द जेंडर, जब आपको जेंडर के बारे में नहीं पता तो आप इस्तेमाल करते हैं इट। अच्छा इट का इस्तेमाल जानवर के लिए भी होता है, डोंट टच इट, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स पॉइजनस, सांप पड़ा हुआ नीचे, इट विल बाइट यू, ओके। अच्छा अब एक इसमें बहस है, अगर कुत्ता है अगर बिल्ली है, हमारे कल्चर में जानवर चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो चाहे बकरा हो चाहे बकरी हो कुछ भी हो, हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं इट, भले से जितना पालतू, हम इट ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गोरा क्या इस्तेमाल करता है, गोरा इस्तेमाल करता है कुत्ते के लिए ही और बिल्ली के लिए शी, और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज पालतू होती है उसके लिए आप ही और शी का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी जिसके अंदर कुत्ता था या बिल्ली थी या चूहा था, तो वो वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, ही और शी, ही इज माई लाइफ, आई कांट लिव विदाउट हिम, वो किसकी बात कर रहा है, उसके कुत्ते को लेकर जा रहे होते हैं, डोंट डोंट टेक हिम, आई विल डाई विदाउट हिम, ही इज माई लाइफ, आई बात समझ बेटा? तो पालतू जानवरों के लिए ही और शी का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तमाम स्टूडेंट्स के जहन में बात बैठ चुकी है, अब आ जाइए जरा सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इससे पहले कि मैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पे बात करूं, मैं आपको कुछ बड़े हिला देने वाले सब्जेक्ट्स दिखा रहा हूं। आपको पता है कि सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, सब्जेक्ट कैन बी एनी एनिमल, इट कैन बी एनी प्लेस, इट कैन बी एनी थिंग। जब भी देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैंने नाउन के बारे में एक सवाल किया, पूरा पाकिस्तान नाउन की डेफिनेशन में पास हो जाता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। तो देखिए मैंने ऊपर नाउन इस्तेमाल किया है, अली इज अ नाउन, डॉग इज अ नाउन, कराची इज अ नाउन, मोबाइल इज अ नाउन, किसी भी चीज का नाम जो है वो नाउन है, फिर नाउन की अपनी काइंड, हम उस बहस में नहीं जाएंगे, बस इतनी सी बात याद रखें, कोई भी नाउन यानी कि पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग आपका सब्जेक्ट भी हो सकती है और आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अच्छा अब जरा देखिए
अगर डॉग है तो वो सिंगुलर है, अगर डॉग्स हो गया तो वो क्या हो जाएगा, प्लोरल। कराची सिंगुलर, कराची एंड लाहौर प्लोरल। लेकिन अब मैं जा रहा हूं प्रोनाउन की तरफ, कोई मुझे प्रोनाउन की डेफिनेशन बताएगा, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, कोई मुझे बताएगा? देन द वर्ड व्हिच आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ नाउन। व्हाई, अब सवाल है व्हाई, व्हाई ये हमें स्कूल में नहीं बताया, बस ये सिखा दिया इन प्लेस ऑफ नाउन वी यूज रिपीटेशन काम करने के लिए सर। एक्सेलेंट आंसर टू, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं नाउन की रिपीटेशन काम करने टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ अ सेंटेंस, जब एक ही सेंटेंस में बार बार इसके अंदर और भी मैं बहुत सारी और भी बातें लिख सकता हूँ, टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ अ सेंटेंस, टू अवॉइड जो आपने बात करी, टू अवॉइड रेपिटेशन, मैं ये भी लिख सकता हूँ टू मेक और टू अवॉइड वर्डीनेस। वर्डीनेस समझते हैं भाई, अगर हम नाउन का इस्तेमाल बार बार करेंगे तो हमारा सेंटेंस वर्डी हो जाएगा ना, बहुत सारे वर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अली है, सारा है, सपना है, सोनिया है, सितारा है, सलमान है, फरहान है, रेहान है, तो फिर क्या होगा, ये तो बड़ा वर्डी हो जाएगा। तो उस वर्डीनेस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कोई बता सकते हैं हमारे पास प्रोनाउन की तादाद कितनी है, हाउ मेनी प्रोनाउन्स डू वी हैव, हाउ मेनी प्रोनाउन, अस्तग़फ़िरुल्लाह, आई वी यू ही शी इट दे, देयर आर सेवन प्रोनाउन्स। आगे और भी जब आप बड़े होंगे तो आपको और भी प्रोनाउन्स के बारे में पता चलेगा, बट देयर आर सेवन पर्सनल प्रोनाउन्स। इनका दूसरा नाम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन्स, पढ़ा होगा शायद आपने कभी, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन्स। और जब सब्जेक्ट की हैसियत से आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस, आपने सुना होगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्रोनाउन। बहुत सारे एक ही चीज को बहुत सारे अल्फाजों से जाना जाता है मुख्तलिफ किताबों के अंदर, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है, और मैंने आपसे कहा सिर्फ प्रोनाउन भी है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास सब्जेक्ट प्रोनाउन की तादाद 7 है, आई वी यू he, she, it, they, ये तो होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। अच्छा, अली कॉल्स मी, यहाँ पर अली जो है वो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं कहूं कि अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल कीजिए तो बताइए वो क्या होगा, सैटरडे का टेस्ट, आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस लगाने हैं। आपके पास ब्लैंक आएगी, उसमें से आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सेलेक्ट करना होगा कि यहां पर क्या आएगा। अली कॉल्स मी, अली कॉल्स मी, तो अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा बेटा, ही। सारा का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, शी। अली एंड सारा का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, दे। ऐसा तो कोई नहीं है बच्चा ही एंड शी बोल दे, ही एंड शी को मिला देंगे तो दे हो जाएगा वो, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन प्लोरल क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लोरल क्या होगा, तो थर्ड पर्सन प्लोरल जो है वो फिर आपका बेसिकली क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लोरल आपका दे होगा। अच्छा, अब जरा समझिएगा, देखिए अब जो बातें बताने जा रहा हूं वो आप कहेंगे सर ये बातें तो हमारे जहन में नहीं, डॉग का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, डॉग, डॉग का सब्जेक्ट प्रोनाउन बता दो, इट।
इट मान लिया, मैंने सबकी बातें मान ली, लेकिन डॉग्स का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? एक से ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। एक से ज्यादा है। अच्छा, आम तौर से हमारे स्टूडेंट्स ये तस्वर करते हैं दे से मुराद वो लोग हैं, सब कुत्ते वो लोग कैसे होगा? वो लोग काट लेंगे तो भाई, है भाई, दे का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे दिमाग में कि दे का मतलब तो वो लोग हैं। अब जब कुत्तों के लिए हम दे लगाते हैं तो बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, दे बार्क, वो लोग भौंकते हैं। सही कह रहे हैं आप, वो लोग बहुत भौंकते हैं, मैं कुत्तों की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, मैं समझा कि आप उनकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए, कराची, कराची समथिंग, कोई जगह, इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? इट इट, इट। लेकिन अगर कराची एंड लाहौर हो जाए तो अब कराची एंड लाहौर का क्या होगा? दे ठीक, अब यहां पर देश से मुराद फिर आपके जहन में आ रहा होगा वो लोग, जबकि ये तो वो शहर है। दे आर इन पाकिस्तान। मोबाइल, अगर एक है मोबाइल रिंग्स, आई हैव अ मोबाइल इट रिंग्स अ लॉट, आई हैव अ मोबाइल फोन इट रिंग्स अ लॉट, मेरे पास मोबाइल फोन है बहुत बजता है, आई हैव अ मोबाइल फोन इट रिंग्स अ लॉट। मोबाइल्स आर वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, मोबाइल्स आर वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। अब मोबाइल्स हो जाएगा तो अब देखें आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर दे से क्या मुराद है, इसको उर्दू में क्या कहोगे? आजकल मोबाइल बहुत महंगे, मेरे पास चार मोबाइल है वो बहुत महंगे। अब ये वो बहुत महंगे, ये वो लोग नहीं है लेकिन वो मोबाइल है, देख रहे हैं आप? आज से पहले दे का मतलब आप लोगों के जहन में सिर्फ क्या था? वो लोग। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दे की एप्लीकेशन जो थी वो लोग में थी, लेकिन जब आप मोबाइल्स की बात करते हैं तो मोबाइल्स के लिए भी दे आ रहा है, कराची एंड लाहौर के लिए भी दे आ रहा है। आ रहा है, नहीं आ रहा? अली एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, अली और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब अली एंड आई का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? वी स्टडी एट एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। अगर मैं आपको कोई एक्सरसाइज दूं सैटरडे को टेस्ट के तौर पर, तो आप सॉल्व कर लेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन लगा लेंगे? यस सर। चलिए अब आ जाइए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सबको पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है? जनरली लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आखिर में आता है, चलें वही समझ लें, लेकिन फिलहाल अभी हम ये समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किस चिड़िया का नाम। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप, सब सो रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब, याद कर लें, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब एंड नॉर्मली रिसीव्स द एक्शन। और आसान अल्फाजों में, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, इट कैन बी सिंगुलर और प्लोरल। आइए कुछ ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं, सोच समझ के लगाइएगा। आई हैव लॉस्ट माई कीज, हैव यू सीन। अब किसको देखकर तुम ऑब्जेक्ट का फैसला करोगे? अब देखो वहां पर कीज लिखा हुआ है, बहुत सारी है, तो आपने क्या लिख दिया? हैव यू सीन देम, Have you seen them? Where are my glasses? I can't find them. आज से पहले इन बातों पे हम फोकस नहीं करते थे, लोग इट का इस्तेमाल ही करते थे। बताइए मैं क्या लगाऊं? नंबर थ्री में बताइएगा। I haven't seen Sara today. Have you seen her?
अच्छा अगर ये होता आई हैवंट सीन समी टुडे, हैव यू सीन हिम? आई हैवंट सीन सारा एंड समी टुडे, हैव यू सीन देम? देम ऑब्जेक्ट लग रहा है ना. आई हैवंट सीन माय लैपटॉप टुडे, हैव यू सीन इट? आगे बात समझ आइए जरा, यस सर. वापस चलते हैं. मी का मतलब मुझे, वो मुझे जानती है. अस का मतलब हमको, शी इनवाइट्स अस, वो हमको दावत देती है. हमको हम लोगों को, शी इनवाइट्स अस, वो हम लोगों को दावत देती है. यू, मैंने तुमको बताया था, तुमको, मैंने तुम लोगों को बताया था, तुमको, तुम लोगों को, आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था यार, आई टोल्ड यू, मैंने तेरे को बताया था, आई टोल्ड यू, मैंने तुझको बताया था, आई टोल्ड यू, तेरे को, तुझको, आपको, तुमको, यू एज एन ऑब्जेक्ट, मैंने उसको देखा था, आई सॉ हिम, आई सॉ हर, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, मैंने ये खरीदा था, आई बॉट इट, मैंने ये बेचा था, आई सोल्ड इट, मैंने इसको मारा था, आई किल्ड इट, कोई जानवर, आई किल्ड इट, मैंने उन लोगों को देखा था, आई सॉ देम, आई सॉ देम, मैंने मोबाइल, मैंने वो छीने थे, आई स्नैच देम, क्या चीज, मोबाइल्स, आई स्नैच देम, हु स्नैच द मोबाइल्स, I snatch them. Any problem? No, no problem. I'm just asking. आगे चलिए. अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसमें हमारे पाकिस्तानी बहन भाई फेल हो जाते हैं. आपको क्या लगता है बेटा कि सेंटेंस के आखिर में क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही आता है सर, सिंपल सी बात. सेंटेंस के आखिर में ऑब्जेक्ट आता है. ये हमारे स्टूडेंट्स की आम तौर से सोच है कि हर आखिर में आने वाली चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है. आइए इस आज गलत फहमी को दूर कर देते हैं. तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो. ही कॉल्ड मी, बताइए यहाँ पर मी क्या है? सर मैंने आपको कहा, अभी बताया कि हर आखिर में आने वाली चीज ऑब्जेक्ट होती है, तो बताओ मी क्या है? Is an object. It is absolutely an object. 100% it is an object. आगे चलिए. अब यहां पर लिखा हुआ है he called me yesterday. अब बताइए object क्या है? Yesterday. Me is object. Me. कल के session में बताया था कि जितने भी yesterday. time expressions होते हैं me. yesterday. Tomorrow, me object to yesterday, adverb. ये चीज छा गया. Yesterday is an adverb. ये कल की क्लास से आपको नॉलेज मिल चुकी थी कि कोई भी टाइम एक्सप्रेशन आपके पास आ जाए वो एडवर्ब होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट का दर्जा नहीं देते. और यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ये. अच्छा आप सेंटेंस को पढ़िएगा. ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे. अगर आपने मेरे पहले लेक्चर को सुना हो गौर से, पहले और दूसरे लेक्चर को, तो आपने कल के लेक्चर से तो बता दिया कि यस्टरडे क्या है, एडवर्ब. अब ये जो इन द मॉर्निंग है ये क्या है? ये फ्रेज है और इस फ्रेज का पूरा नाम है प्रेपोजिशनल फ्रेज. मैंने क्लास का सबसे आगाजी दर से किया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव अस इनकम्प्लीट मीनिंग. इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या? इट्स इज अ फ्रेज. अब आपको ये भी पता चल गया ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है. प्रेपोजिशनल फ्रेज की निशानी ये होती है कि वो प्रेपोजिशन से शुरू होता है. अब आगे चौथा सेंटेंस पढ़िए. ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग तो हो गया आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज. यस्टरडे हो गया आपका एडवर्ब.
एन इम्पोर्टेंट इशू आपका हो गया आ, एन और दा से अगर शुरू हो तो वो क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज. फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस इनकम्प्लीट मीनिंग एन इम्पोर्टेंट इशू. सर ये टू डिस्कस क्या है? तो ये नई चीजें जो आज आप लोग डिस्कस कर लेंगे ये कहलाता है इन्फिनिटिव. जबान से बोलिए क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव. अब ये इन्फिनिटिव क्या बोला है सर? सबको क्लियर होगी बात? एडवर्ब क्या होता है, फ्रेज क्या होता है. फ्रेज के अंदर भी दो चीजें बताई सर ने, प्रेपोजिशनल फ्रेज और नाउन फ्रेज. प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसे पहचानोगे? प्रेपोजिशन से शुरू होता है. कैसे पहचानोगे नाउन फ्रेज है? आ, एन और दा से शुरू होता है. आ गई बात समझ? अब इन्फिनिटिव क्या चीज है? कभी भी याद रखें बेटा, दो वर्ब्स एक साथ नहीं आ सकते. हम दो वर्ब्स का इस्तेमाल एक साथ नहीं करते. तो फिर क्या करते हैं सर? आई लाइक, कभी सुना आई लाइक टीच? आई लाइक टीच, नहीं सर, बीच में टू लगाइए. आई लाइक टू टीच इंग्लिश. आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड. आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड. आई लाइक टू टीच इंग्लिश. आई यूज टू स्पीक इंग्लिश. आपने देख रहे हैं कि हर वर्ब के बाद टू आ रहा है और टू के बाद भी फिर एक वर्ब आ रहा है. इसको हम वर्ब नहीं कहते. फिर क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव. सर हमारा दिल नहीं चाह रहा कि हम टू लगाए, मत लगाओ बेटा, वर्ब आई एन जी लगा लो. फिर उसके साथ आपको टीच के साथ टीचिंग करना पड़ेगा. फिर आपको आई लाइक टीचिंग इंग्लिश. आई लाइक टीचिंग इंग्लिश. आई लाइक टू टीच इंग्लिश. आई लाइक टीचिंग इंग्लिश. अब यहां पर आई आपका सब्जेक्ट है, लाइक आपका वर्ब है, टू टीच आपका इन्फिनिटिव है, नीचे टीचिंग आपका नई चीज आ रही है. नाम जबान से बोले जेरेंट. क्या है ये? Gerund, it's an ing form. अब इसको हम Gerund. अच्छा, इसको हम वर्ब नहीं कह सकते. टीचिंग इज नॉट अ वर्ब हेयर. टीचिंग इज नॉट अ वर्ब हेयर. हर वर्ब आई एन जी वाली फॉर्म वर्ब नहीं हुआ करती. हो सकता है वो क्या निकले? देखो आगे Gerund. Gerund के आगे क्या लिखा हुआ है? Noun. आज से पहले कभी जिंदगी में सोचा था कि वर्ब आई एन जी के साथ जब किसी वर्ब को देखोगे तो तुम उसको नाउन कहोगे? आज पता चला. और ये बहुत कॉमन बातें बता रहा हूं. मैंने कहा ये मैं जीरो लेवल पर हूं. आप लोग कहते हैं हमें बेसिक्स आती है. मेरे तीसरा ही आपके साथ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. इसमें से मुझे बता दें आपको कितने परसेंट आता है? क्या आपको ये पता है कि कौन सा वर्ब अपने बाद टू लेता है और कौन सा वर्ब अपने बाद वर्ब आई एन जी लेता है? सर सब लेते. अच्छा जरा वॉन्ट के बाद मुझे आई एन जी लगाकर दिखा दो. मैं तुम्हें 5,000 रुपये कैश अवॉर्ड दूंगा. आई वॉन्ट टू गो होम लगाकर दिखा दो. उसमें लग सकता है. सुना है कभी आई वॉन्ट गोइंग होम? आई वॉन्ट नो सर. I want talking to you. नहीं सर, I want to talk to you होता है. I want to learn English होता है. यानी कि कुछ verbs ऐसे भी हैं जो अपने बाद क्या नहीं लेते, verb ing नहीं लेते. तो फिर क्या लेते हैं सर? बस अपने बाद infinitive लेते हैं वो. अच्छा तो सर क्या ऐसे भी वर्ब्स मौजूद हैं जो सिर्फ अपने बाद जेरेंड लेते हैं? जैसे आपने ये बताया ये इन्फिनेटिव लेते हैं. आई स्टार्ट वर्किंग, कभी सुना है? आई स्टार्ट टू वर्क. नो सर. आई कांट हेल्प ईटिंग बिरयानी. मैं बिरयानी खाए बगैर नहीं रह सकता. आई कांट हेल्प ईटिंग बिरयानी. आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश. आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश. कभी आपने स्टार्ट के बाद सुना है कि आप वर्ब टू लगाकर फिर उसके बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगा दें? कभी भी नहीं सुना हो.
मुमकिन ही नहीं है। यानी कि सर ऐसे भी वर्ब्स मौजूद है जिनके बाद सिर्फ जेरंड लगता है। जी, तीन तरह के वर्ब्स नजर आ रहे हैं। एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनेटिव भी लेता है और जेरंड भी लेता है। एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है, इन्फिनिटिव लेते हैं। जेरंड नहीं लेता। और एक ऐसा वर्ब है जो सिर्फ अपने बाद जेरंड लेता है, इन्फिनिटिव नहीं लेता। सर क्या हमको इसकी कोई लिस्ट वगैरह मिल सकती है? मिल चुकी है, आप अपने नोट्स में देखिएगा जाकर के। जब आप नोट्स खोलेंगे तो उसी के अंदर आपको नजर आएंगे। मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, और वो लिस्ट आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करनी है, और उसी में से आपका एक टेस्ट क्रिएट होने वाला है कि कौन से वर्ब्स हैं जो अपने बाद वर्ब आईएनजी लेते हैं, और कौन से वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू लेते हैं। जब सर पे पड़ेगी ना तो फिर याद करता है बच्चा। मैं अगर टेस्ट ना लूँ ना तो फिर मुझे पता ही अवाम याद नहीं करेगी, पता ही हमारी, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे ढीठ होंगे वो टेस्ट नहीं देंगे। और फिर मैं कहता हूँ, फिर जब कल को वो आएंगे ना मेरे पास, तो मैं उनसे कहूंगा जरा दिखाओ भाई। देखें, आपके पास एक एक्सरसाइज तो आ गई, आपके पीडीएफ के अंदर मौजूद है। मैंने आपसे कहा है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएं, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई वॉन्ट टू सी हिम बट डैश डजेंट वॉन्ट टू सी डैश, क्या होगा? But he doesn't want to see me. ही डजेंट वॉन्ट टू सी मी, दे वॉन्ट टू सी मी बट डैश डोंट वॉन्ट टू सी डैश, But I don't want to see them. ये चीज। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह की आपको मैं एक्सरसाइज बनाकर दूंगा पेपर के अंदर। ये पहला टेस्ट ये हो गया, दूसरा ये इन्फिनेटिव और जेरंड की आपको बकायदा पूरी लिस्ट मिल गई है। देखिए लिखा हुआ है वर्ब फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, यानी कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है। अब मैं जो जबान बोल रहा हूँ वो समझ आ रही होगी आपको। ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरंड आता है। ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद वर्ब आईएनजी लेते हैं, और ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद इन्फिनेटिव भी लेते हैं और जेरंड भी लेते हैं। दे अलाउड स्मोकिंग, दे अलाउड अस टू एंटर, ठीक है। लेट्स बिगिन टू वर्क, लेट्स बिगिन वर्किंग, आ गई बात समझ। याद करना है, पढ़ना है, और उसके बाद एक एक्सरसाइज, और इसी एक्सरसाइज के स्टाइल सर, इन्हें का मेमोराइज करने का कोई इजी वे है? मेमोराइज करने का प्रैक्टिस। एक दिन में नहीं होगा ये याद, इसको आप तकरीबन एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, रीड करते रहेंगे। क्योंकि मेरा आज आपके साथ जो सेशन है, इसके बाद अब आपसे मेरी मुलाकात होगी मंडे और ट्यूसडे को। तो अब ये जो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप क्या करेंगे? मेरी याद में आंसू बहेंगे या इन नोट्स को बैठ के पढ़ेंगे? नोट्स पढ़ बस ठीक है, चले। और फिर आंसू भी निकलेंगे, यार ये समझ ही नहीं आ रहा। जो समझना है मुझे व्हाट्सएप करें। अच्छा, आखिर में आंसर शीट भी मौजूद है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब प्रैक्टिस फ्राइडे तक प्रैक्टिस मुकम्मल कर लीजिएगा, ताकि सैटरडे को आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए। आज की आखिरी बात, डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन। आखिरी बात है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, आसान सी बात है। सर डिटर्मिनर क्या होते हैं? माय, योर, हिज, देयर, दे ऑल आर डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर हमेशा अपने बाद नाउन लेता है, अकेला नहीं आता। और जब आप पजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं तो आपको नाउन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नाउन उसके अंदर शामिल हो चुका होता है, मिक्सचर होता है वो। डिटर्मिनर इज अ वर्ड विच ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन, इट डिस्क्राइब्स नाउन और इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन।
ये नाउन के बारे में बताता है, इसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देता है. वी यूज पजेसिव प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ डिटर्मिनर प्लस नाउन. और हम पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल डिटर्मिनर प्लस नाउन की जगह पर करते हैं, यानी कि दोनों आपको सेम मीनिंग्स देते हैं. मैंने फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखा, देयर इज अ कार आउटसाइड. देयर इज अ कार आउटसाइड, इट इज माई कार. मैं ये भी तो कह सकता हूँ इट इज माइन, वो मेरी गाड़ी है, वो मेरी है. बाहर एक गाड़ी है, इट इज हिज कार, ये उसकी है. हाथ मत लगाना नाराज होगा. मैं ये भी कह सकता हूँ इट इज हिज. ये जुमला आज से पहले कभी नहीं बोला आप लोगों ने, इट इज हिज. देयर इज अ कार आउटसाइड, इट इज हर कार. इट इज हर कार, ये उसकी गाड़ी है, कोई लड़की. इट इज हर्स, ये उसकी है. ये भी जुमला आज से पहले नहीं बोला. देयर इज अ कार आउटसाइड, इट इज दियर कार. इट इज दियर कार, इट इज दियर कार. और दूसरे अल्फाजों में मैं क्या कह सकता हूं, इट इज दियर्स. इट इज दियर्स. देयर इज अ कार आउटसाइड, क्या वो आपकी गाड़ी है? इज इट योर कार? मैं ये भी कह सकता हूं क्या वो आपकी है? इज इट योर्स? भाई साहब मुझे एक सिगरेट का डब्बा मिला, अब्बा पूछ रहे बेटी ये तुम्हारा है? इज इट योर्स? नहीं पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इट्स नॉट माइन, ये उसका है, सलमा का. ये उसका है, सलमा अपनी छोटी बड़ी बहन की तरफ इशारा करते हुए. इट इज हर्स. पागल हो गई हो? पापा, पापा ने पूछा सलमा बेटा इज इट योर्स? नहीं पापा, क्या होगी आपको? इट इज नॉट माइन. आपको क्या लगता है, डू यू थिंक आई स्मोक? ये उसका है पापा, अपने राजू का, राजू की तरफ. राजू बेटा क्या ये आपका है? इज इट योर्स? नो पापा, इट्स नॉट माइन. पापा ये देखे वो दोनों लड़के खड़े हैं, ये उनका है. इट इज दियर्स, इट इज दियर्स, ये उनका है. ये जबान हम लोग नहीं बोलते, जबकि कितने आसान और कॉमन सेंटेंसेस हैं, बट वी डोंट यूज दिस. आर हाउस इज बेटर देन योर हाउस, हमारा घर तुम्हारे घर से ज्यादा बेहतर है. यही बात में से हाउस हटा दीजिए, घर की बात चल रही है. हमारा तुम्हारे से ज्यादा बेहतर है. अबे जाओ भाई, तुम्हारे घर में तो स्विमिंग पूल भी नहीं है. अबे हमारे घर की छत पे स्विमिंग पूल है और हेलीपैड भी है. आर हाउस इज बेटर देन योर हाउस, एक्सक्यूज मी, आर इज बेटर देन योर्स. माई इंग्लिश इज बेटर देन योर इंग्लिश, नॉट एट ऑल. माइन इज बेटर देन योर्स, मेरी तुम्हारे से ज्यादा बेहतर है. और रियली कैन यू स्पीक इंग्लिश फॉर 2 मिनट्स? और यस, वाई नॉट. माइन इज बेटर देन योर्स, मेरी तुमसे ज्यादा बेहतर है. आ गई बात समझ? दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेज विच यू डोंट यूज. इट्स और इट्स में क्या फर्क है? बहुत ही आसान सी बात है. इट्स आपका डिटर्मिनर है. अगर आप इट्स का इस्तेमाल बगैर अपोस्ट्रॉफी के करेंगे तो इट का इट्स का मतलब होता है उसका, जैसे या इसकी, एज अ डिटर्मिनर यूज करेंगे. अगर इट्स में आपने अपोस्ट्रॉफी लगा दिया तो इसका मतलब होता है इट इज या फिर इट हैज. और वो हमें कैसे पता चलता है? जब हम उसके आगे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, इट्स एक्सपेंसिव, तो इट इज एक्सपेंसिव. इट्स ब्रोकन, ये इट इज भी हो सकता है और इट हैज भी हो सकता है. इट इज ब्रोकन, इट हैज ब्रोकन, दोनों में से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज ब्रोकन, इट हैज ब्रोकन. इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ यू, जब से मैंने तुम्हें देखा है, बहुत अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए. इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम. इट्स 4 o'clock, इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock. माई डॉग इज हंगरी, अब यहां पर देखिएगा क्या आ रहा है. माई डॉग इज हंगरी, क्या तुम उसका खाना उसको दे सकते हो? कैन यू गिव इट्स फूड टू इट? आई हैव अ सेल फोन, आई लाइक इट्स कलर.
मेरे पास सेलफोन है, मुझे इसका कलर बहुत पसंद है. आई लाइक इट्स कलर. इट्स ब्लैक. इट मींस इट इज ब्लैक. ठीक है बेटा. बाकी भाई के बीच में दो बातें रह गई थी. सर कल के सेशन में क्या पढ़ाएंगे? हमारा आपसे अगली मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे और ट्यूसडे को, और हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में. आज हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा. अगर आप इसी सेशन को लाइव एंड एक्सक्लूसिव दोबारा अटेंड करना चाह रहे हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 3 बजे, वरना रात में 8 बजे. ठीक है बेटा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. आपके पास एक और लिंक आ रहा है, उससे अपनी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा. आज की डिस्कशन क्लास आपकी मिस सना के साथ है. अस्सलाम वालेकुम.